Hey guys and welcome back to another amazing tutorial. Guys, अगर आप लोगों के मोबाइल की मेमोरी बार बार फुल हो जाती है और आप लोगों को एरर आता है कि आपके मोबाइल की मेमोरी फुल है और आप लोग ये सोचते हो कि मेरे मोबाइल में कुछ डाला भी नहीं और मेरे मोबाइल की मेमोरी खुद बहुत कैसे फुल हो जाती है, सो आप लोगों को इस परेशानी का हल देने के लिए आज की वीडियो में आप लोग से छोटी सी ट्रिक शेयर करने वाला हूँ, जैसे आपकी मोबाइल की मेमोरी ट्रिमेंडसली सारी की सारी फ्री हो जाएगी और आप लोगों की ये परेशानी खत्म हो जाएगी। सो ये छोटी सी ट्रिक बहुत मजेदार सी ट्रिक है, बहुत ही हेल्पफुल ट्रिक है। सो आप लोगों ने ये ट्रिक खुद भी अप्लाई करनी है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है। सो वीडियो लाइक करें, वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। सो चलें स्टार्ट करते हैं एंड आई होप आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करोगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, मोबाइल के इंटरनल मेमोरी को बढ़ाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इस एप्लीकेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बट आप प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, इसका इंटरफेस काफ़ी यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने डुप्लीकेटेड फाइल्स को डिलीट कर देना है। डुप्लीकेटेड फाइल्स ये होती है कि एक फाइल्स की दो फाइल्स आप लोग, मतलब उस तरह की दो फाइल्स आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड हो, मतलब पड़ी हो आपके मोबाइल में। तो यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि मेरे मोबाइल में तकरीबन 9 GB के आसपास जो जगह है वो बिल्कुल फालतू चीज़ों ने कवर किया हुआ है, यानी बिल्कुल वो दो दो चीज़ें मेरे मोबाइल में पड़ी है जो मुझे बिल्कुल यूज़ नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले डुप्लीकेटेड फाइल्स को डिलीट कर देना है। एंड मेरे मोबाइल में तकरीबन 512 डुप्लीकेटेड फाइल्स मेरे मोबाइल में अभी पड़ी हुई हैं। सो मैं सारी की सारी 512 जो डुप्लीकेटेड फाइल्स हैं इनको डिलीट कर देता हूँ। सो सबसे पहले आप लोगों ने डुप्लीकेटेड फाइल्स को डिलीट कर देना, क्योंकि डुप्लीकेटेड फाइल्स का आपके मोबाइल में कोई भी काम नहीं पड़ता। सो डुप्लीकेटेड फाइल्स आपके मोबाइल में बहुत ज़्यादा मेमोरी को रिलीज कर देगी। इसके बाद आप लोगों ने जंक फाइल्स को डिलीट कर देना है। जंक फाइल्स पर जैसे ही आप लोगों ने ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी जो कि आपके मोबाइल की मोबाइल को चेकआउट करेगी, आपके मोबाइल के इंटरनल मेमोरी को। एंड यहाँ पर आप लोगों ने APK फाइल्स को क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आउटडेटेड फोल्डर्स को एंड लार्ज फाइल्स पे आप लोगों ने क्लिक करने के बाद आप लोगों ने खुद सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर आप लोग गेमिंग खेलते हैं तो आप लोगों ने OBB फाइल्स को, यानी PUBG और फ्री फायर की जैसे OBB फाइल्स हैं, उनको सेलेक्ट नहीं करना, उनको अनटिक कर देना है, क्योंकि वो टिक करने के बाद आपके मोबाइल में गेम का थोड़ा सा इशू बन सकता है। सो OBB फाइल्स को आप लोगों ने टिक नहीं करना। एंड बाकी जितनी भी फालतू फाइल्स आपके पास बनती हैं, उन सारी की सारी फाइल्स को टिक करने के बाद आप लोगों ने क्लीन मेमोरी कर देना है। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लीन नाउ पे क्लिक करता हूँ, मेरे मोबाइल से जितनी भी डुप्लीकेटेड फाइल्स है, तकरीबन 13 GB के आसपास मेरे पास जो डुप्लीकेटेड फाइल्स है वो एक सेकंड में डिलीट हो जाएंगी। सो जो कि आपके मोबाइल की तकरीबन 13 से 14 GB का डाटा जो जगह है वो उसको खाली कर देंगी। एंड इस एप्लीकेशन में काफ़ी सारे और ऑप्शंस मैं आप लोगों को बता दूँ जो कि काफ़ी अमेजिंग है, जैसे ऐप लॉक आप लोग को मिल जाता है, प्राइवेट ब्राउजिंग आप लोग कर सकते हैं, मैलवेयर यानी वायरस वगैरह को अपने मोबाइल से डिलीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ CPU कूलर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर फाइल मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आप लोगों ने फाइल मैनेजर में जाना है जो कि आपके मोबाइल में बता देगी कि आपके मोबाइल में टोटल कितनी फोटोज़ है। जैसे मेरे मोबाइल में तकरीबन 2000 के आसपास फोटोज़ हैं, 111 वीडियोज़ हैं जिसने तकरीबन 2 GB का डाटा लिया हुआ है, एंड 94 डॉक्यूमेंट्स है, फाइल्स है जो कि मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे काम नहीं करता। सो मेरे पास फालतू की डॉक्यूमेंट्स इंस्टॉल्ड हो जाती है जो कि वैसे ही होती है, मेरे मोबाइल में काफ़ी सारी जगह गिरी होती है उसने। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर व्हाट्सएप मीडिया आ जाता है। व्हाट्सएप मीडिया पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, आपके पास व्हाट्सएप की जितनी भी, आपको पता है व्हाट्सएप पर जितनी भी फाइल्स और फोटोज़ होती है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती हैं, वीडियोज़ वगैरह, जो कि आपके मोबाइल में फालतू में बहुत ज़्यादा जगह आपके मोबाइल की उसने रिजर्व की होती है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास वॉइस तकरीबन 1100 वॉइसेस मेरे मोबाइल में बड़ी हुई है जो कि फालतू में मेरे मोबाइल की डाटा को, मतलब जगह को उसने घेरा हुआ है। एंड यहाँ पे वीडियोस, काफ़ी सारी वीडियोस है जो कि फालतू में मेरे मोबाइल के जो इंटरनल मेमोरी है उसको ख़राब कर रही है। सो यहाँ पे मैं इन सारी की सारी फाइल्स को, तकरीबन 2000 फोटोज़ हैं इन सारी की सारी फ़ोटोज़ और फाइल्स को, क्योंकि मुझे सारी नहीं ज़रूरत, तो इन सारों को मैं डिलीट कर दूंगा, जिससे मेरे मोबाइल की इंटरनल मेमोरी बहुत ज़्यादा खाली हो जाएगी। और यहाँ पे अगर वॉइसेस आप लोग देखें तो तकरीबन 1200 वॉइसेस मेरे मोबाइल में हैं जो कि मैं जस्ट वन क्लिक पे डिलीट कर दूंगा, जिससे मेरे मोबाइल का जो इंटरनल मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा खाली हो जाएगी। एंड इसके साथ यहाँ पर बिग फाइल्स आपके पास आ जाती है। बिग फाइल्स में आप लोगों को अगर पता है कि कौन कौन सी फाइल्स आपकी फालतू है, तो आप लोगों ने उन सारी की सारी फाइल्स को वन बाई वन टिक करना है और डिलीट करते जाना है, जिससे आपके मोबाइल की इंटरनल मेमोरी बहुत ज़्यादा खाली हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को जो बिग फाइल्स आ जाती हैं, बिग फाइल्स आपके मोबाइल में बहुत ज़्यादा डाटा को कंज्यूम करती हैं।
इसी तरह से और ऑप्शंस भी आपको मिल जाती है, जिन ऑप्शंस को आप लोग वन बाय वन सेलेक्ट कर सकते हैं और फालतू की चीज़ों को अपने मोबाइल से डिलीट कर सकते हो, वन क्लिक के साथ अनइंस्टॉल कर सकते हो। सो ये एप्लीकेशन बहुत अमेजिंग है, जिसमें वन क्लिक में आपके पास जितने भी ऑप्शंस है वो सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास मिल जाते हैं। बट यहाँ पर आप लोगों को WhatsApp का एक और ऑप्शन भी मिल जाता है, जहाँ से आप लोग अलग तरीके से भी चेकआउट कर सकते हैं एंड फाइल मैनेजर में भी आप लोगों को, फाइल एक्सप्लोरर में भी आप लोगों को मिल जाता है। इस एप्लीकेशन की एक और खास बात यह है कि यहाँ पे ऐप्स हाइबरनेटर आप लोगों को मिल जाता है। ऐप्स हाइबरनेटर बेसिकली क्या होता है कि आपके मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशन बैकएंड पे मतलब बैकग्राउंड पे रन करती हैं। आपको पता है बहुत सारी सिस्टम एप्लीकेशन होती हैं, कुछ हम लोग खुद डाउनलोड करते हैं, वो सारी की सारी एप्लीकेशन आप लोगों के बैकग्राउंड पे रन करती हैं, जो कि आपके मोबाइल में मतलब कैशे पार्टीशन क्रिएट करती है, मतलब फालतू की चीज़ें इंस्टॉल कॉपी करती हैं, जैसे आपके मोबाइल की स्पीड भी मतलब बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है, आपके मोबाइल की इंटरनल मेमोरी बहुत ज़्यादा कवर होती है और आपके मोबाइल में जो स्पीड है मोबाइल की वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। सो उन सारे के सारी एप्लीकेशन को जस्ट वन क्लिक करते एप्लीकेशन के ऊपर जैसे क्लिक करोगे वो खुद ही हाइबरनेट हो जाएगी। जो जो एप्लीकेशन आप लोगों को फालतू लगती है और सारी की सारी एप्लीकेशंस को आप लोग हाइबरनेट कर दोगे सो वो स्लीप हो जाएंगी और आपके मोबाइल में बैकग्राउंड पे कुछ भी नहीं कर पाएगी। यानी आप लोगों का मोबाइल की स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और आपके मोबाइल में जो इंटरनल मेमोरी का मसला है वो भी यहाँ से बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा। अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग मोबाइल में जाएं और फाइल मैनेजर पे जाके चेक करें, आप लोगों को तकरीबन आधे से ज़्यादा जो मोबाइल मेमोरी है वो एप्लीकेशन ने ही कवर किया होता है। सो अगर आप लोग उन एप्लीकेशन को हाइबरनेट कर दोगे तो आपके मोबाइल में कैशे पार्टीशन या कुकीज़ वगैरह क्रिएट नहीं होंगी, जिससे आपके मोबाइल की इंटरनल मेमोरी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगी। इसके बाद गेम स्पीड भी आप लोग के पास आ जाती है इस एप्लीकेशन में, जो कि आपके मोबाइल में गेम को ऑप्टिमाइज़ कर देती है, जिससे आपके मोबाइल की गेम्स को काफ़ी अच्छी स्पीड मिल जाती है। अगर आप पबजी खेलते हैं या फ्री फायर या आप लोग कोड एम कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह खेलते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी अच्छी पिंग इसे क्रिएट मिलेगी, काफ़ी अच्छी पिंग मिल जाएगी, क्योंकि बाकी सारी एप्लीकेशन को आप हाइबरनेट कर दोगे तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन की खास बात यह है कि यहाँ पर आप लोग एप्लीकेशंस का बैकअप बना सकते हो और कुछ एप्लीकेशंस को जस्ट वन क्लिक पे अनइंस्टॉल कर सकते हो। अनइंस्टॉल करने के बाद जब आपका दिल करे उन्हें रीइंस्टॉल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आर्चिव का ऑप्शन है, आर्चिव में जो आप लोगों ने बैकअप बनाया होता है आर्चिव में आ जाता है, वहाँ से आप लोग दोबारा उसे दोबारा इंस्टॉल कर सकते हो। सो ये भी एक एप्लीकेशन की काफ़ी कमाल की बात है, जो कि यानी जो एप्लीकेशन आप लोगों को नहीं ज़रूरत उन्हें अनइंस्टॉल कर दें और जो ज़रूरत है उसे इंस्टॉल कर दें, और जब आप लोग को ज़रूरत पड़े तो अनइंस्टॉल करने के बाद उसे रीइंस्टॉल कर सकते हैं। एंड इस एप्लीकेशन की एक और खास बात यह कि यहाँ पर आप लोगों को बैटरी हेल्प भी मिल जाता है, जो आप लोग वन क्लिक पे टर्न ऑन करते हो तो आपके मोबाइल की नेटवर्क, ब्लूटूथ, बैकग्राउंड सर्विसेज, ऑटो सिंक, टाइम आउट, ब्राइटनेस सारों को ये खुद ब खुद ऑप्टिमाइज़ कर देता है और आपके मोबाइल की जो बैटरी टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा इससे बढ़ जाती है। यकीन करें आप लोग एक बार ट्राई करेंगे इस एप्लीकेशन को तो आप लोगों को इस एप्लीकेशन के जो फीचर्स हैं वो बहुत कमाल के लगेंगे। ओवरऑल मैं इस एप्लीकेशन का बहुत मतलब शिदाई हूँ, मुझे बहुत ही एप्लीकेशन पसंद आई क्योंकि इसकी सर्विसेज बहुत कमाल की हैं। सो मेरा फर्स्ट आप लोगों के साथ ये ट्रिक, ये एप्लीकेशन शेयर करना, जैसे आपके मोबाइल की मेमोरी तकरीबन आधी से ज़्यादा आपके पास फ्री हो जाएगी, वो भी जो फालतू में कवर की हुई थी, फालतू में आपके मोबाइल की मेमोरी भरी हुई थी। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये ट्रिक आप लोग को, ये एप्लीकेशन, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।